और ये मूवी जो है ये विक्रम रविचंद्रन की है। मुढ़ोल द एक एरिया का नाम है। ओह माय गॉड, कोई पोस्टर में जैसे दिखाया गया था ना, वो सबको मार मोर के ये हशर हुआ था। काउ जो उसका हाउंड जो उस कुत्ते की ब्रीड का जो नाम है डॉग ब्रीड है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल अब्बास कोरिया। तो जी अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फर्स्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो जी आज जिस वीडियो पे हम लोगों ने रिएक्शन करना है ये एक मूवी की टाइटल टीजर है, ठीक है जी। और ये मूवी जो है ये विक्रम रविचंद्रन की है, इसको जो डायरेक्ट किया है वो किया है जी कार्तिक रजन ने, और जो इसको प्रोड्यूस किया है वो किया है जी रक्षा और सिलियो कनान ने, ठीक है जी। ये एक कनाडा मूवी है और इस मूवी का जो नाम इन्होंने रखा है वो रखा है मुढ़ोल। मुढ़ोल द एक एरिया का नाम है, उससे पहले क्या कहा जाता था मुडो वो लालो कहा जाता, ठीक है जी। और ये एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जिसका के नाम है बगलकोट, ठीक है जी। ये है कहाँ पे, ये नॉर्दर्न पार्ट है साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका का, कर्नाटका का एक ये उसका नाम है, उस नाम पे ये मूवी रखी है, उस नाम पे ये मूवी बनाई गई है। हुआ ये कि जी विक्रम रविचंद्रन ने इसके बारे में इसका जो पोस्टर था वो रिलीज पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रविचंद्रन के मुंह में वो कुत्ते की एक हड्डी है और जो साथ एक कुत्ता है जिसके मुंह में छुरी है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं रविचंद्रन ने ये लिखा हुआ है के साथ कि इसके अंदर जो कुत्ता है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इस मूवी के अंदर, ठीक है जी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक कुत्ते की खास इसी एरिया से मुढ़ोल से रिलेटेड एक कुत्ते की खास नस्ल होती है जिन्हें क्या कहा जाता है मुढ़ोल हाउंड। तो ये इन चीजों से रिलेटेड करते हुए ये मुझे लगता है कि इसका टाइटल रखा गया है। तो ये तो इसकी होगी इन्फॉर्मेशन, तो चले अब देखते हैं इसके टाइटल टीजर, स्टे विद अस। ये उन्होंने म्यूजिक A2 म्यूजिक No animals were harmed in the shoot of हाँ, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि वही ना कुत्ते से रिलेटेड है तो उन्होंने डॉक्टर मोती मूवीज मोती मूवी मेकर ये क्या है डोर ओपन हुआ आई थिंक ये तो जेल का होता है ना सर, हाँ वही जेल का वो दरवाजा उसने ना वहां से तो बल्ब ये क्या हो रहा है ये तो म्यूजिक कुछ विक्रम रविचंद्रन वीके आर सस्पेंस वाला म्यूजिक डाल रहे हैं। म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, म्यूजिक देखा जाए तो ना वो यानी कि कैसे लग रहा है कि कंटिन्यूअसली वो फायर के साथ बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा है ना ये टांडव स्टूडियोज वो जैसे लियो का नहीं था वो उस तरह का ना म्यूजिक लेकिन ये क्या ये सबके लिए खाना पका रहे हैं कि क्या करने क्या लग रहा है अच्छा वो गोश्त को काट रहे ओ अच्छा सारे उसे मारने के लिए आए हो क्या वो सबके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं वो डर रहे हैं सारे मारने के ना वो उसकी स्किल्स को देख के हाँ अच्छा उसने वो गोश्त अंदर डाला है आई थिंक पकाने के लिए होगा ये क्या करने लगा है कोई पोस्टर में जैसे दिखाया गया था ना ओए होए वीके आर की क्या यार लो ये उन्होंने चावलों में से वो निकाल लिया खंजर ओ मेरे खुदा ये क्या वो कुत्ते की तरह ना वो देखो ना बी वेयर ऑफ हिम मुढ़ोल ओ मेरे अच्छा 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 ओए होए वो सबको मार मोर के ये हशर हुआ उसका काउंट डाउन बिगिन म्यूजिक बहुत आ रहा है और वो देखें ऐसे वो ये स्टाइल भी डिफरेंट है ये जो स्टाइल तो बहुत आ रहा है बहुत अच्छा है कार्तिक राजन रक्षा वो प्रोड्यूसर ना
काफी अच्छी, रविचंद्र, विक्रम रविचंद्र मुढ़ोल। तो जी ये था जी इस मूवी की टाइटल टीजर। मुझे तो ये टाइटल टीजर बहुत अच्छा लगा। नंबर वन इसका जो म्यूजिक बहुत क्लास का था। अभी तो उसके अंदर ज्यादा वो नहीं दिखाई, तो जैसे हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इसके मूवी का नाम, उसके एरिए से रिलेटेड उसका जो डॉग है और मुढ़ोल, और मुढ़ोल जो उसका हाउंड, जो उस कुत्ते की ब्रीड का जो नाम है, डॉग ब्रीड है उसका, और मूवी के अंदर वो दिखाया भी गया। मुझे बस ये लग रहा है कि मूवी बहुत ही ना एक्शन वाली फिल्म होगी, और इसके अंदर जैसे कि वो कुत्ता डिफरेंट स्टाइल लग रहा है, बहुत डिफरेंट स्टाइल लग रहा है इस मूवी का। क्या होगा बंदा, यही है कि क्या करेगा, क्या वो एंड पे वो सबको मार के सस्पेंस खुद लेता है। इस टीजर ने ना सस्पेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी है, और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब लेकिन वो जब अंदर जाता है और अंदर से बाहर कुत्ता आता है, कुत्ते के मुंह में छुरी होती है, ये चीज ना जरा ना मुढ़ोल हाउंड के क्या चक्कर है, ये कुत्ता मारता है, खुद मारता है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, बीच में रोल है, इसका क्या अपना क्या रोल लग। तो ऐसे ही रह गए जैसे कि वो भी एक कोई गैंग और कोई इससे रिलेट कर रहे हैं, गैंगस्टर वगैरह है खुद भी इसके अंदर वीके आर। और शॉट में लगा कि जेल में है वो लोग, जेल है, मुझे लगा जेल में है वो वीके आर विक्रम, उसके वो पांव में जंजीरें भी डाली है ना, और ना वो लगा ऐसे ही अच्छा लगा। और वो मुझे लगता है कि उनकी आपस में लड़ाई हो रही है जिसके अंदर वो काफी आगे जाएंगे, और काफी यानी कि ये एक अप लेवल का ना वो गैंगस्टर दिखाया गया। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो ये तो जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आएगी तो पता चलेगा। तो मुझे तो ये काफी अच्छी लगी, आई होप कि ये अच्छी ही होगी। तो इसी के साथ हम अपने रिएक्शन का एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारे रिएक्शन पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड, गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दीपाली, बाय बाय।